What is up guys, this is your host Prajwal Agrawal and I am here to welcome you all to a journey to one of the char dhams for the mountain lovers. And yes, I am talking about the Spiti Valley, which you know because you have read the title of the video, but still. Let me give you a very brief idea about the culture and location of the Spiti Valley. Spiti is a cold desert, that is you will find very less vegetation of plants and mostly you will find rocks and sands. Spiti is very much influenced by Buddhism. In fact, most of the popular destination that you'll find here will be based on Buddhism. For example, Langsa or Ki Monastery. Spiti अच्छे खासी altitude पे है. It is about 4,270 meters. And अगर इसको feet में convert करें, then it is over 14,000 feet. इन कंपेरिजन के लिए बता दूं कि मनाली 2000 मीटर के एल्टीट्यूड पे है और दिल्ली 216 मीटर के एल्टीट्यूड पे है. बिकॉज ऑफ इट्स एल्टीट्यूड एंड लैक ऑफ ट्रीज, द पीपल हु आर न्यू टू माउंटेन एडवेंचर्स कैन फेस सम ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और हेडेक ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन. द टेम्परेचर इन स्पीति बेयरली टच 15-20 डिग्रीज इन मे और जून, एंड विंटर्स के टाइम पर तो ये -20 डिग्रीज तक चला जाता है. एंड इनफैक्ट जब विंटर्स होते हैं ना, तो फिर आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में जो है ना, यहाँ जाने का रास्ते ही बंद हो जाते हैं. मतलब इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है रास्ते पे, एंड वो अगले 6 महीने के लिए, अगले मई तक के लिए वो रास्ता बंद ही हो जाता है. अभी तक तो लग रहा होगा कि यार ये क्या ही जगह है, मतलब ऑक्सीजन भी नहीं है, डेजर्ट है, पेड़ ही नहीं है और इतनी ठंड है, कोई यहाँ पर क्यों ही जाना चाहेगा. नहीं मेरे भाइयों, नहीं, ऐसा नहीं है. इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स जो मैंने अभी मेंशन किए, स्पीति इज़ अ डेस्टिनेशन दैट इज़ वर्थ अ विजिट. इट इज़ फुल ऑफ सीनेरिक साइट सीन. मतलब कुछ ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे तुम बस कैमरा रैंडमली निकाल के किसी भी चीज़ को क्लिक करो एंड फोटो अच्छी ही आती है. ये उन जगहों में से एक है. यू विल गेट हिमालयन रिवर्स, ग्लेशियल स्ट्रीम, मतलब फ्रेशली ग्लेशियल पिघला हुआ जो पानी आता है ना, वो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा. एकदम चिल्ड पानी, हाथ डाल के सुरसुरी उठ जाएगी पूरे शरीर में. एंड शांति तो यहाँ पे यार इतनी ज़्यादा है, मतलब तुम शहर में रह के उस शांति को इमेजिन भी नहीं कर सकते. मतलब शहर में आधी रात को भी इतनी शांति तुम्हें सोचने के लिए भी नहीं मिल सकती जितनी शांति यहाँ पर तुम्हें मिल सकती है. दिस इज़ अ वेरी की डेस्टिनेशन फॉर पीपल हु आर फाइंडिंग यू नो स्पिरिचुअलिटी और थोड़ा शांत रहना चाहते हैं, शहर की हबड़ दबड़ से दूर जाना चाहते हैं, सॉर्ट ऑफ बहुत परफेक्ट डेस्टिनेशन है. हवा का करंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, इतनी तेज़ हवा चलती है कि बस मैं क्या बताऊँ, मतलब अगर तुम्हारा वज़न कम है तुम तोड़ ही जाओगे. और क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता, तो इन जगहों के बारे में बेस्ट पार्ट ये होता है कि यहाँ पर रात को आसमान इतना खूबसूरत दिखता है यार. एक एक तारा दिखता है, मतलब इतने ज़्यादा तारे आसमान में देखने को कहीं ही मिलते हैं यार. एंड सिंस स्पीति इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज़्म, यहाँ पे तुम्हें हज़ारों पुरानी मोनेस्ट्रीज मिल जाएंगी जो आज तक पुराने कल्चर को अडॉप्ट करके रखी हुई हैं एंड पुराने कल्चर को फॉलो करती हैं. इनफैक्ट जो की मोनेस्ट्री है ना, उसके अंदर तुम्हें लिटरली जो पुरानी गुफाओं के स्टाइल के तुम्हें चैम्बर्स मिल जाएंगे जहाँ तुम जाके आराम से मेडिटेशन कर सकते हो कितनी भी देर के लिए, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा. सो बेसिकली स्पीति इज़ अ डेस्टिनेशन दैट इज़ वर्थ योर टाइम एंड मनी. ओके, अब थोड़ी सी ट्रिप की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं एंड फिर डायरेक्ट हम डाइव करते हैं वीडियो के अंदर. ठीक है, सबसे पहली डिटेल, ये ट्रिप 4 रात की थी. ओके, इसके अंदर हमने 1 रात मनाली में, 2 रात स्पीति में एंड 1 रात चंद्रताल में निकाली. द बजट फॉर दिस ट्रिप वॉज अबाउट 17,000 रुपीज. द ट्रैवल पार्टनर फॉर दिस ट्रिप वॉज वॉयजर्स बीट एंड इट इज़ अ डेली बेस्ड ट्रैवल कंपनी एंड मेरी इनके साथ आई थिंक 3rd या 4th ट्रिप थी. जो मेरे सह जो साथ में ट्रैवल करते हैं उनको क्या कहते हैं, सह ट्रैवलरी, जो मेरे कारवा का जो पार्ट थे बेसिकली, वो थे मेरे 3 दोस्त, अमन, आदित्य एंड आदित्य. कन्फ्यूजन के लिए मैं अपने स्कूल के दोस्त वाले आदित्य को खारी बोलूँगा. यू विल नो हु इज़ हु. ओके, ऑल राइट, सो अब फाइनली वी विल स्टार्ट विद द वीडियो, द स्पीति एक्सपीडिशन. ओके, सो स्पीति के लिए हमें निकलना था 6:30 बजे दिल्ली से, एंड ये दिल्ली टू दिल्ली ट्रिप थी. तो 6:30 बजे हमारी बस थी मजनू के टीले पे, एंड यार मजनू के टीले को तो लिटरली वॉल्वो बस स्टैंड बना देना चाहिए. मतलब सारी की सारी बसें यार मजनू के टीले से निकलती हैं. खैर एनीवे, तो हमें रात को 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे मनाली के लिए निकलना था मजनू के टीले से. हम निकले, तो अभी हम मनाली के रास्ते में हैं. निकले, रात हमारी निकली. अगले दिन सुबह धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी. हमारे जो साइड में खारी साहब बैठे थे, उन्होंने हमारी जैकेट चुरा ली. ओए मेरी है ये, मुझे चाहिए. 4 घंटे में ठंड हो जाएगी भाई. ये गंदा बच्चा, ये देखो कहाँ है मंदिर.
कैसे आएगा? अबे रहने की छोड़, जाते कैसे? कोई रखता हूँ शौक पागलों वाले जब मैं उन्हें ट्रैक करके जाऊँगी, कोई रोज चेक करता होगा उस ट्रैक। गुड मॉर्निंग अर्पित, ऐसे तो खुद को देख सकते हैं। ये मैंने ऑन किया अभी सिर्फ तेरे लिए, पहले बंद था। तो कैसा लग रहा है आपको मनाली की वादियों? ऐसी बात मेरे को तेरे व्लॉग में तो ही बोल रहा है अपने, उसकी बेइज्जती कि आगे बोर होते हैं। कट कर मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा। अरे काट ले वहां से। 200 मीटर आके लैंडस्लाइड आई थी। मनाली के रास्ते में ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो हैवी व्हीकल्स होते हैं ना, उनको जाने नहीं दे रहे थे, मतलब बसेस हो गई और ट्रक्स हो गए, तो बहुत सारे बस ट्रक वगैरह जो है ना वहाँ पे हॉल्ट पे डाल दिए थे। तेरी शक्ल से हैंगओवर की फील हो रहा है मेरे को। हैंगओवर की नींद नहीं आई है, थोड़ा थोड़ा वो भी है सर। ये देखो अंगड़ाई है लेती हूं मैं जब जोर जोर से बैठी है। इसकी मार्क्सी हमारी अभी भी उठ के आई है। अभी हम तुमसे नहीं बोलेंगे, हम चल के बोलेंगे कि आप हमारा ये वाला बनाओ, ऐसे बनाओ और वैसे बनाओ। क्या कह रहे हैं? गोली नहीं मारता ये जो बच रहा है इससे। यार ऐसे थोड़ी मजा आता है फोटो खींचने में। कैसे मजा आता है बताओ? नहीं ये कैमरा सही है भाई। तुम मुझे बताओ कैसा लगेगा अगर एक दोस्त की खाई हुई चिंगम दूसरे के कपड़ों पे चिपक जाए? कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लग गए क्योंकि बसेस चल नहीं रही थी। तो लास्ट में फिर ऐसा हुआ कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स में अलग अलग ट्रैवलर करके अपने मनाली तक पहुँचे। 2-3 घंटे का अच्छा खासा हॉल्ट था। अब उस टाइम पे वीकेंड रश था क्या था, बट हमें पूरे रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला। एक तो सड़क इतनी छोटी और उस पर इतने बड़े बड़े ट्रक्स। भयंकर जाम है ब्रो। पीछे कर लेना, थोड़ा पीछे कर। बहुत पीछे रह गए वो लोग। यस। मंडी आ गए। ये मंडी है। मंडी भी अच्छा खासा शहर है यार। मतलब मंडी को देख के कोई लगता नहीं कि मतलब सेपरेटेड कोई शहर है। अच्छी खासी चहल पहल है, अच्छा खासा शहर है, ठंड भी ठीक ठाक है। पार्ले ब्रदर्स। जब हम कोई व्हीकल को पहाड़ों पे चढ़ा रहे होते हैं ना, तो यूजुअली ऐसा कभी कभी करना होता है कि हमें उसको हैंड ब्रेक पे रख के चढ़ाना पड़ता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी जो टायर होते हैं उसके अंदर फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि उसमें से धुआं निकलने लगता है। ये हमारी जो ट्रिप गाइड है, इनको पता नहीं कंटेंट की क्या मची हुई है। ये हमें रील के लिए लेके जा रही है यहाँ पर। पता नहीं हमें कौन सी गुफा में लेके जा रहे हैं, क्या होने वाला है हमारे साथ, कौन सा शेर इंतजार कर रहा है हमारा। तेरे कंधे में कैसे दर्द हो गया? दो घुसे मारे हैं। इतने में दर्द हो गया? यस ऐसे करते हैं, यूं करते हैं। मेरे को मत दिखा, मेरे को मत दिखा। हे कारी, कैसे मजा आ रहा है? अभी तक तो फटी पड़ी है, पहुंच के मजा आएगा। होटल भी नहीं पहुंचे और वो कहां गया बरेली वाले? अरे इसकी आंखें देखो। ये सर पिछले 24 घंटे से चल रहे हैं, उससे भी ज्यादा ज्यादा हो गए, अब 28 होने वाले हैं। इसको बहुत जरूरत है, इसको इस टाइम आराम की भाई, बहुत जरूरत है। हम लोगों ने ये वाला अच्छा है। ऑल इज वेल यार। एक बहुत गंदी पोजीशन दे रहा है बंदा। मैं रिकॉर्ड कर रहा था, ये तो नहीं, ये आ गया। मैं तो इनको कर रहा था, ये जो बना रही है कंटेंट। अच्छी चीज है ना, कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए। करो एवरीथिंग शुड बी, तुम खुश रहो, नॉट प्लान्ड, एवरीथिंग शुड बी अनप्लान्ड। तुम इससे फ्रीडम एंजॉय करने आए हो, करो मिलना।
दर्द हो रहा है इंग्लिश में कहूँ माई बस पेनिंग अगर दर्द हो रहा अगर बकचोदी में कहूँ गाल फट रही है मैं क्या करूँ तो उसी को हिलाऊंगा और किसको अरे हटो 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 जिन लोगों के रेल बनी है वो रील बना रहे हैं और उछल यस यस मैंने रील बनाई जिस चीज़ को आज तक हम क्रिंज बोल रहे थे हम उसका पार्ट बन ही गए आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट बट इट हैपेंड इट वॉज जस्ट अ वन टाइम थिंग वॉन्ट हैपन अगेन सो अब हम फाइनली मनाली पहुंच गए होटल हमारा था बिल्कुल वो जो मनाली जहाँ पर वोल्वो स्टैंड है ना तो उसके थोड़ा आगे चल के एक नदी बहती है बीज रिवर करके है तो उसके जस्ट फेसिंग दैट रिवर हमारा होटल था मॉल रोड से आई थिंक 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था बट ठीक है अच्छा होटल था इट वॉज अ डिसेंट होटल हाय भाइयों अब भाई हम आराम से रिलैक्स होकर बैठ गए 2-3 घंटे में माल रोड के लिए निकलना है निकलेंगे आराम से अभी फ्रेश हो रहे हैं जो हमारे साथ बरेली का बंदा आया हुआ था वो तो इतना ज़्यादा थक चुका था इतना ज़्यादा उस मतलब उसकी आँखों से लग रहा था कि वो किसी का कत्ल कर देगा अगर उसको आराम नहीं मिला था तो हमने उसको भेजा सब आराम से अपना फ्रेश होने लगे एंड अब फिलहाल तो मैं बैठा हुआ हूँ खारी बैठा हुआ है एंड हम लोग आराम से बैठ के अभी बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे चर्चा कर रहे हैं एंड विषय है कि कॉलेज के अंदर विस्की कैसे लेके जाएं बोतल लाए उनमें पड़ती तब देख आते अरे जो बोतल से भी पानी वाली होती है ग्लास से अरे मैं मुझे लाए नहीं पिंक से लेके आए हां नाउ लेट्स गो टू द मॉल रोड ऑडिशन पे वेलकम टू मनाली बॉयज वेलकम टू मनाली मैं भी हेलो बता देना उतारो उतारो हमारे अनु मलिक कल रात हम जिस बस में आए थे तो उसमें एक दूसरा ग्रुप भी था और हम उनके साथ अंताक्षरी खेल रहे थे तो ये जनाब जो है ना इनको अगर गाना नहीं आ रहा था ना तो अपने गाने खुद कंपोज करके बनाने लगे वहाँ पे एंड गानों की क्वालिटी की वजह से नाम रखा अनु मलिक ये कम से कम देखा था कितना घटिया अनु मलिक अबे रात को बड़े गाने कंपोज करे भाई ने अरे भाई सच में जो गाना भी था ठीक है वो हम नहीं मानते ना उनसे तो मनवा लिया था ना उनसे तो मनवा लिया था सही बात है ये हमने ट्राई किया खा ले और ये अमन का लाइव रिएक्शन लेते हुए देखने में तो अच्छा लग रहा है ऑर्गेस्टिक चलो भाई खाओ यार अबे अंदर से ठंडा रिएक्शन तो लेता अंदर से ठंडा है अंदर से ठंडा है गरम करके हाँ यार तो ठंडा गरम हो जाएगा खा खा हद कड़ी हाँ जी प्रज्वल अग्रवाल जी कैसा लगा आपको ये अंदर से चिल्ड है बाहर से गर्म है अरे रे मम्मी का तो वो कहते हैं ठंडा गरम वाला कट्टा हुआ है गरम करके ठंडा छोड़ दिया तेज आंच में से ना पाओ ये देखिए मनाली डे कैफे यहाँ पर हमारे पिछले व्लॉग में हमारे भाई को एक वो मिली थी जान लैला ओ लैला खैर ये था हमारा पहला दिन होटल से आने के बाद हम थोड़ी देर माल रोड पे घूमे थोड़ा ऐसी मस्ती करी स्ट्रीट फूड खाया थोड़ा सा मोमोज सिड्डू मोमोज थुप्पा वगैरह खाया चाप बहुत अच्छी थी पकोड़े इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि अंदर से ठंडे ठंडे थे बट एनीवे इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस
रात को हमने डांस पार्टी वगैरह करी और इसके साथ हमारा पहला दिन मनाली में होता है ख़त्म। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट डे, दैट विल बी फ्रॉम मनाली टू स्पीति। रात को हम स्पीति वैली पहुँचेंगे, रास्ते में थोड़ी सी डेस्टिनेशन है, फोटोग्राफी है, वो सब करते करते हम रात को स्पीति वैली पहुँचेंगे। सो ऑल राइट, दिस इज़ योर होस्ट प्रज्वल अग्रवाल साइनिंग ऑफ। अनु मलिक का भाई आ गया, अनु मलिक का भाई, वाह वाह।